ये लो जी, आपके घर एक नई बहू आई है, कैसी लगी आपको? Will I cry? Will I leave है ना, behind broken and crumbled signs? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और इन केस किसी भी रीज़न से आपका मूड ख़राब है ना, तो ये वीडियो देख के आपका मूड बिल्कुल हैप्पी हैप्पी होने वाला है, क्योंकि हम लड़कियां जो होते हैं ना, हमें शॉपिंग बड़ा पसंद होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं इंडिया गई थी, तो मैंने वहाँ से खूब सारी शॉपिंग की है। फिर गिफ्ट्स भी मिले हैं ससुराल से, मायके से। कुछ एक तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया था जब मैं इंडिया में थी, बट काफ़ी सारा अभी भी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि भरा पड़ा है कलरफुल कलरफुल स्टफ के साथ। तो मेरी भी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी इन सारी चीज़ों को देख के। जहाँ से भी लिया है वो वाला टाइम याद आएगा और काफ़ी सारी मोमेंट्स याद आएंगे। तो चलिए खोलते हैं यादों का पिटारा, शॉपिंग का पिटारा, और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने इंडिया से क्या क्या लिया था और मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला था। चंडीगढ़ की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ एक चूड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वहीं से, चंडीगढ़ से सेक्टर 22 मार्केट से मैंने जो झुमका और चूड़ियाँ ली थी, बट कुछ एक मैंने नॉर्मल अपने लोकल मार्केट से भी लिया था। ये देखो कितना कलरफुल है, कोई भी सूट ले लो, कोई भी साड़ी ले लो सिंपल सा, और ये वाली चूड़ियाँ डाल लो, कितना प्रिटी लगता है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चूड़ियाँ, दुपट्टे, झुमके, ये सब के बारे में सोच के ही ना, देख के ही वो पंजाब का फ्लेवर याद आ जाता है और लगता है बस अभी फेस्टिवल स्टार्ट ही होने वाला है कोई। और लोहड़ी आने वाली है, तो आप लोग में से जो भी लोहड़ी मनाता है, आप सबको बहुत बहुत लोहड़ी की बधाइयाँ। और एवरग्रीन रेड कलर में लेना तो बनता है। और ये चूड़ियाँ मैं करवा चौथ पर बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तो इस साल मेरे पास खूब सारी चूड़ियाँ होंगी करवा चौथ पर डालने के लिए। है ना प्रिटी? कांच की चूड़ियाँ हैं, मुझे कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। मेटल की भी अच्छी लगती हैं, बट कांच की चूड़ियाँ से खन खन करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये हो गई मेरी चूड़ियाँ। और इसके अलावा येलो और रेड तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ये वाली। और नेक्स्ट है एक हैवी फुलकारी दुपट्टा मैंने लिया था चंडीगढ़ से। एक्चुअली अमृतसर का तब तक प्लान नहीं था, अगर पता होता कि मैं अमृतसर जा रही हूँ तो शायद ये दुपट्टा मैं नहीं लेती, क्योंकि जो सूट मैंने अमृतसर से लिया है ना, उसका भी दुपट्टा काफ़ी हैवी है। सो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा फुलकारी दुपट्टा हो गया, है ना प्रिटी? कोई भी वाइट कलर के सूट के साथ या फिर प्लेन कलर के सूट के साथ कितना अच्छा लगेगा कुर्ते के साथ। ये वाले वाइट कुर्ते के साथ भी अच्छा लग रहा है। नहीं, पूरे में वर्क है, काफ़ी हैवी वर्क है। ये लो जी, आपके घर एक नई बहू आई है, कैसी लगी आपको? चलो चलो शॉपिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो चंडीगढ़ से मुझे 3 सूट मिले हैं, सासू माँ ने दिया, भाभी ने दिया। मैंने भाभी के साथ ही सारी शॉपिंग की थी, और भाभी का जान पहचान का टेलर है, तो हर बारी मैं जाती हूँ हम सूट लेते हैं और वो 2-3 दिन में ही सिल के दे देती है। फिटिंग बहुत अच्छी होती है उनकी, अब तो वो पहचान ही गई हैं, तो उनको पता होता है कि जल्दी से देना है, तो अच्छा रहता है कि सूट लेके सिलवा लूँ, क्योंकि सूट पीस यहाँ लाके तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि स्टिचिंग तो पहले मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो इतना एक्सपेंसिव होगा कि वो सूट के कॉस्ट से ज़्यादा ही पड़ जाएगा। तो ये है मेरा पहला सूट येल्लो कलर का। येल्लो आप लोगों को पता ही है कि मेरा फेवरेट फेवरेट कलर है। ये सिल्क के हैं, सारे सूट सिल्क के ही हैं, और इसके साथ मैंने सिलवाया है पटियाला सलवार। पटियाला सलवार पंजाब में सिलवाओ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पटियाला सलवार। ये है सलवार, और इसके साथ है ये ब्यूटीफुल सी शेडेड चुन्नी ग्रीन और येलो में, है ना बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये। ये मैंने सोचा है कि दिवाली के लिए बचा के रखूँ, दिवाली में पहनेंगे ये। ओके, नेक्स्ट सूट है, ये है कुर्ता, लाइट कलर है बट बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी है मरून कलर से नीचे, और स्लीव्स पे भी है और गले पे है हल्का सा, और इसका बॉटम सलवार काफ़ी डार्क कलर का है, मरून कलर का, और दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैं ना सूट में दुपट्टा सबसे पहले देखती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से दुपट्टा लो ना तो सूट तो ढक ही जाता है ना, दुपट्टे से बहुत अच्छा ग्रेस आता है,
तो है ना प्रिटी। लाइक कुर्ता देखो हल्के कलर का है, बट जब इसके ऊपर ये दुपट्टा ओढूंगी तो कितना ज्यादा प्यारा लगेगा, है ना। इसका भी मैंने पटियाला ही सिलवाया है। और नेक्स्ट है अगेन मेरा फेवरेट कलर और ये कुर्ता स्टाइल। आप लोगों को पता है मुझे ये कुर्ता स्टाइल कितना अच्छा लगता है। मुझे कुछ कमेंट्स भी आते हैं ऐसे कि क्या सुची हमेशा एक ही तरह के कुर्ते पहनते हो, बट वो कहते हैं ना सिग्नेचर स्टाइल होता है हर एक का, तो ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है और ये आज का नहीं है। मैं कॉलेज टाइम से जब भी मैं जॉब पे जाती थी मैं ऐसे ही कुर्ते पहनती थी और मुझे बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है, कम्फर्टेबल लगता है। और मेरे लिए फैशन है कम्फर्ट। अगर मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ कुछ पहन के ना तो वो मेरे लिए फैशनेबल स्टाइलिश नहीं हो सकता है। तो मुझे ये कुर्ते वाले स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने जब ये वाला सूट देखा, इसका गला ऑलरेडी बना ही हुआ था, इस तरह का ग्रीन है और पूरा ये वर्क है। इसका मैंने चूड़ीदार बनवाया है और ये है इसका दुपट्टा। तीनों ही सूट बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, डिफरेंट स्टाइल है और कलर्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। और नेक्स्ट मेरा फेवरेट अमृतसर से लिया है मैंने ये वाला सूट। कितना प्यारा कलर है। बहुत पहले शादी के बाद ना मेरे पास इस कलर का एक सूट था और उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने नहीं पहना, तो ग्रीन का कोई भी शेड हो ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ग्रीन और येलो ये मेरे लाइक टॉप फेवरेट कलर्स हैं। और इसके बॉटम में इस तरह का पूरा फुलकारी वर्क है और दुपट्टा भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर मुझे पहले पता होता कि अमृतसर से मैं ऐसा कोई हैवी सूट लेने वाली हूँ तो शायद मैं अलग से फुलकारी दुपट्टा चंडीगढ़ में नहीं लेती, बट चलो कोई बात नहीं। ऊपर से ये सिंपल है और मैंने स्लीव्स 3/4 करवाए हैं और इसका बॉटम मैंने पैंट स्टाइल करवाया है। प्रिंटेड ही है बट अच्छा लगता है पैंट स्टाइल भी। पहले मैं नहीं करवाती थी बट लास्ट टाइम भी मैंने एक करवाया था तो भी बहुत स्मार्ट लगता है। ऐसा है इसका बॉटम। और ये है इसका दुपट्टा पिंक कलर का। बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना ये ग्रीन के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन है। तो वैसे जो मैंने हैवी दुपट्टा लिया था वो थोड़ा डिफरेंट कलर में है, तो थोड़ा डिफरेंट तो है बट हाँ फुलकारी काम तो एक ही जैसा होता है। इसमें मल्टी कलर है और ये पिंक में है। तो ये हो गया मेरा सूट का कलेक्शन। ओके, सो अमृतसर से मैंने ली हैं 2 जूतियां। एक ये है और इसके अंदर ना ये वाला जो सोल है इसका ये काफी कुशन है इसमें, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ना चंडीगढ़ से काफी बारी जूतियां ली हैं बट वो ना पैर कट जाता है पीछे से, कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। इस बारी मैं लेना चाह नहीं रही थी, मैं खुले पीछे जो खुले वाले होते हैं वो ढूंढ रही थी। बट ये वाला मुझे अच्छा लगा कि अच्छा सा कुशन है तो, और पीछे भी कुशन है तो आई थिंक ये कंफर्टेबल होगा और बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और सिर्फ 300 रुपीज में मिला है मुझे। और नेक्स्ट मैंने लिया ये वाली जूती। ये बहुत पसंद आई मुझे क्योंकि ये पीछे से ओपन है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितना अच्छा लगेगा ये मेरे फुलकारी सूट के साथ। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है नहीं। इतने सारे सूट और ये प्रिटी प्रिटी चप्पल देख के और झुमके देख के चूड़ियाँ देख के ना मन कर रहा है कोई शादी हो जाए यार, घर पे मज़ा ही आ जाए बस, है ना। यहाँ कनाडा में इन सारे चीज़ों का उतना यूज़ नहीं होता ना जितना इंडिया में होता है, बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल्स में पहन के थोड़ी फील तो आ ही जाएगी। एक और दुपट्टा मैंने अमृतसर से लिया था। ये सिंपल सा है, कॉटन के ऊपर और मल्टी कलर में थ्रेड वर्क है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। किसी भी सॉलिड कलर के सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली वाइट सूट या ब्लैक सूट ये वाले के साथ भी अच्छा लग रहा है। तो डिफरेंट कलरफुल दुपट्टे हो ना तो बहुत काम आते हैं कि आप सूट को डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकते हो, कुर्तों को डिफरेंट तरह से स्टाइल कर सकते हो। तो हर बारी आप बस दुपट्टा चेंज कर लो बट सूट एक ही रखो, कुर्ता एक ही रखो, बट लगेगा कि बिल्कुल डिफरेंट अटायर है। ओके, तो एक सूट मैंने लिया है, ये दुपट्टा नहीं है, इसमें सिर्फ टॉप और बॉटम है। ये मैंने ऑरेला से लिया है और ऐसा है इसका टॉप। कॉटन में है बेस जो कपड़ा है और ये प्रिंटेड है गोल्डन और पिंक में। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा इसका वर्क, बहुत ही स्मार्ट है, मैंने पहन के भी देखा। और इसका बॉटम ना प्लाजो टाइप्स है इस तरह का। पहले मुझे लग रहा था प्रिंटेड प्लाजो कैसा लगेगा बट जब मैंने पहन के देखा तो बहुत स्मार्ट लग रहा था। प्लाजोज अच्छे लगते हैं, पहले मैं नहीं लेती थी बट लास्ट 1-2 बारी से मैंने पहने हैं तो अच्छे लगने लगे हैं मुझे अब। और तो बस 1-2 सिंपल कुर्ते लिए हैं मैंने। ये जैसे डब्लू का कुर्ता है, अगेन ये कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, सिल्क का है
और इसके बॉटम के लिए मैंने ऐसी क्रीम कलर का ना पैंट लिया है, ऐसा पैंट, तो ये किसी भी सूट के साथ चल जाएगा, ये वाला कलर है, पैंट स्टाइल है और फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, रेडीमेड है फिर भी फिटिंग बहुत अच्छी है। और ये एक बीबा से कुर्ता लिया है, इसका कलर देख के ना मुझे लगा बस ये तो मुझे लेना ही है। कितना कोजी कोजी वाला पिंक है ना, बहुत ही प्रिटी वाला पिंक है ये। ओके, अब मैं दिखाती हूँ येशा और केयूष के लिए चंडीगढ़ और अमृतसर से क्या लिया मैंने। येशा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सूट है, ये फुलकारी सूट है अगेन, ये अमृतसर से लिया है मैंने और इसका दुपट्टा इतना प्रिटी है देखो। उसको बहुत अच्छा लगा, आजकल वैसे भी उसको इंडियन अटायर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल मेरे दुपट्टे से मैचिंग मैचिंग, तो हम दोनों जब एक साथ पहनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा नहीं। तो ये उसका एक सूट है और एक सूट मैंने चंडीगढ़ से लिया था, ये येल्लो कलर में है, प्लेन ही है वैसे तो, पैटर्न थोड़ा बहुत सेम ही है बट इट्स ओके, दो डिफरेंट कलर में हो गया। और पैंटलून से मैंने येशा के लिए ये लहंगा लिया, ये है नीचे का स्कर्ट और सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है पहनने में, बच्चों को ना कंफर्ट लेवल देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कुछ चुभ रहा हो ना फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती पहनने में, तो ये उसको पहना के देखा तो उसको अच्छा लगा। तो ये इसका स्कर्ट है, नीचे का लहंगा और ये टॉप है, कितना क्यूट है नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीछे इसके बटन्स, और ठंड में अंदर स्वेटर पहना के भी ये डालू ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ नॉर्मल सा दुपट्टा है नेट का, सो ऐसा है ये वाला सेट। और हमारे केयूष के लिए हमने दो कुर्ता लिया चंडीगढ़ से ही, ये पहला वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिल्क का है कुर्ता और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है कपड़ा और सामने इस तरह का ये ब्रोंच लगा हुआ है, उसको बहुत मज़ा आता है कुर्ते पहनने में, तो खुद ही चूज़ किया उसने, पहना के देखा तो बोलता है हाँ मुझे ये लेना है। और नेक्स्ट ये लिया, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला कलर और बड़ा ही यूनिक कलर, ऐसा कलर मैंने कुर्ते में इससे पहले देखा नहीं है कभी, तो पूरा वर्क है और इस तरह का नेक स्टाइल है और हैंड के पास इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो ये हो गए कपड़ों की शॉपिंग। एक बेड कवर और बेड शीट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो मैंने कोलकाता न्यू मार्केट के लोकल शॉप से लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो कोलकाता शॉपिंग करके वीडियो है उसमें देख लेना, काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने वहाँ पर शेयर की है, जो अनुज के लिए भी टी शर्ट और कुर्ते लिए हैं वो सब उसमें है। और एक बेड कवर मम्मी के पास रखा हुआ था, एक्चुअली ये लास्ट ईयर जब मैं गई थी ना तभी का था, बट मेरे सूटकेस में जगह नहीं थी इसलिए मैं लास्ट ईयर नहीं लेके आई, तो मम्मी ने इसे संभाल के रख दिया था। तो ये है अगेन बेड कवर, सिल्क के कपड़े पे है, ये डिफरेंट सा कलर है, बेस है ब्लू और उसके ऊपर पिंक से वर्क किया हुआ है, थ्रेड वर्क है ये, तो ये है। और इसके साथ पिलो कवर्स भी हैं और एक बेड शीट, ये भी मम्मी के पास रखा हुआ था तो मम्मी ने ये दे दिया, पिलो कवर और ये है बेडशीट, तो सबसे बड़ा वाला साइज है जो मेरे किंग साइज बेड में अच्छे से फिट हो जाता है। और चंडीगढ़ में जहाँ से मैंने ये वाला वॉल हैंगिंग लिया था ना, वहीं से मैंने ये वाला भी लटकन टाइप्स लिया है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ इसको टांगूंगी बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि बार बार तो जाना होता नहीं है तो ऐसा कुछ रखा रहे और कभी डेकोरेट करने का मन करे डिफरेंटली तो अच्छा रहता है, ऑप्शंस रहता है हमारे पास। और आप लोगों को पता ही है मुझे ये होम डेकोर के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है, तो ये लिया था मैंने मेले से। ओके, तो थोड़ा किचन का सामान देखते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया किचन के लिए, ये दो चीज़ें ली हैं मैंने और दो स्टील के लंच बॉक्स लाई हूँ मैं केशा केयूष के लिए, लाइक ऊपर तो ये प्लास्टिक है बट इनसाइड ऐसा सा है और इसके अंदर एक छोटा सा स्नैक्स बॉक्स भी है, तो इस तरह का मैं दो लेके आई हूँ, एक केयूष के लिए और एक येशा के लिए। अमेजोन पे मैंने यहाँ से मंगवाया तो था बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जो स्टील के लंच बॉक्सेस होते हैं, तो ये एक है छोटा सा, तो इसलिए मैंने सोचा ही था कि जब जाऊँगी इंडिया तो ले आऊँगी। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी अगर आप बाहर रहते हो और इंडिया जाते हो तो स्टील के ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप लेके आओ, क्योंकि अमेजोन से मंगवाओगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और मैंने लिया एक छोटू सा कढ़ाई, मुझे वैसे तड़का पैन चाहिए था बट हर जगह मुझे वो नॉनस्टिक वाले ही मिल रहे थे, स्टील का नहीं मिला, तो मैंने ऐसी छोटी सी कढ़ाई ले ली कि चलो तड़का भी हो जाएगा, पूरी फ्राई करनी है, पकोड़े फ्राई करने तो बड़े कढ़ाई में बनाओ तो ज़्यादा तेल डालना पड़ता है, तो छोटी कढ़ाई रहेगी तो कम तेल यूज़ होगा,
तो ये साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, छोटू सा है, अच्छा हैवी है, नीचे जलता नहीं है, मैंने यूज़ करके भी देखा है, और दो लोगों की थोड़ी सी सब्जी भी बन जाएगी, और इसका भी हैंडल गर्म नहीं होता है। तो अगेन ये सारे लोकल स्टोर से ही लिए हुए हैं। चंडीगढ़ में हमारे घर के पास में ही ना बहुत अच्छा बर्तन का शॉप है, तो मैं जब भी जाती हूँ स्टील का सामान फिर वहीं से लेके आती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से लिया है, इसलिए मैं किसी का भी लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट कुछ चीज़ें मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो मैं उन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और अमेज़न से मैंने मंगवाया 2 जार इस तरह का, बहुत ही प्रिटी है ना, बहुत दिन से इन सब जार्स पे मेरी नज़र है, लाइक यहाँ पे बैठे बैठे मैं अमेज़न पे सर्च करती रहती थी, होम डेकोर हॉल्स देखती थी तो मुझे वहाँ दिखते थे, तो मैंने काफ़ी दिन से सेलेक्ट करके रखा था कि जब भी जाऊंगी तो लूंगी। और ये बहुत ही कॉमन है, आपको दिखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स होम डेकोर हॉल्स में आपने देखे होंगे शायद इस तरह के जार, तो ये बिग जार है और ये स्मॉल जार है, तो मैं अभी तक सोच रही हूँ कि इसमें शायद मैं टी और शुगर रखूँ, तो लेट्स सी क्या रखती हूँ, बट डेफिनेटली काउंटर टॉप पे ही रहेगा, अब इतना प्रिटी जार है इसको कबर्ड के अंदर तो नहीं रखूँगी मैं। और नेक्स्ट मेरा अगेन फेवरेट है ना, प्रिटी, किसका फेवरेट नहीं होगा ये वाला जार, एयर टाइट कंटेनर है, इस तरह का अच्छे से लॉक हो जाता है। अगेन आई डोंट नो क्या रखूँ, आप लोग सजेस्ट करना कि इस पे क्या रख सकते हैं, मसाले तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बिग जार है, तो कोई मसाला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मे बी गरम मसाला पाउडर मैं घर पे बनाती हूँ तो बहुत सारा बनता है तो वो रख सकते हैं, और लेट्स सी क्या रखते हैं, आप लोग सजेस्ट करना कि इस जार में मैं क्या रख सकती हूँ, है ना प्रिटी प्रिटी। और मैंने दिवाली के टाइम के लिए ये दोनों कैंडल स्टैंड टाइप्स लिया, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट हाँ यहाँ पे नहीं मिलता ना, इसलिए ये सब कलेक्ट करके मैं रखना चाहती हूँ दिवाली एंड ऑल के लिए, बहुत प्रिटी लगा मुझे ये, मंदिर के पास भी रखो तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैंने छोटू से लैंटर्न्स लिए हैं, ये होम सेंटर का है, जैसे वाइट वाला किचन में है ना मेरा छोटू सा है, तो वैसा ही है ये, अगेन मुझे नहीं पता मैंने कहाँ टांगूंगी, बट फॉर द प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर बहुत अच्छा लगा, इतने छोटे छोटे हुए तो ये चीज़ अच्छी लगी, अदरवाइज तो लैंटर्न्स बहुत कॉमन तरह के होते हैं जो यहाँ पे भी मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और मैंने अमेज़ॉन से ये वाला जूट मैट लिया था, इस तरह में आपको मल्टी कलर के भी मिलेंगे और सिर्फ इस तरह के कलर का भी मिले, तो इस तरह का बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली प्लांट्स आप जहाँ रखते हो या फिर गार्डन है, बालकनी है, वहाँ पे इसको आप डेकोरेट करके रखो, बहुत प्रिटी लगेगा। और मैं लाई हूँ एक बेलन, पता है कहाँ से लाई हूँ ये मैं शिरडी से लाई हूँ, ये एक्चुअली मम्मी मौसी शॉपिंग करने गए थे तो मम्मी और मौसी लेके आए अपने लिए, तो मैंने बोला मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए, तो फिर मम्मी ने मुझे अपना वाला दे दिया कि वो लोग तो जाते रहते हैं। अच्छा सर शिरडी की यादें, वैसे मैं शिरडी से बहुत सारे भगवान जी के कपड़े और मालाएं, छोटे छोटे बर्तन भी लेके आई हूँ, तो वो मैं कभी और शेयर करूँगी जब मैं अरेंज करूँगी ना मंदिर, तब शायद शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। तो अपने लिए कपड़े लिए हैं तो बाबा के लिए भी तो नए नए कपड़े लेने बनते हैं ना, उनके भी कपड़े मालाएं मुकुट सब कुछ पुराने हो गए थे। तो बस ये थी मेरी इंडिया की शॉपिंग, और इसके अलावा चंडीगढ़ सेक्टर 22 शॉपिंग और कोलकाता शॉपिंग भी है, तो वो भी आप देख लेना अगर आपने मिस कर दिया है। तो आई होप आपको मेरी ये कलरफुल सी प्यारी सी शॉपिंग बहुत अच्छी लगी होगी, थम्स अप ज़रूर देना इस वीडियो पे, तो थम्स अप बनता ही बनता है, लाइक शॉपिंग फेवरेट चीज़ होती है यार हमारी, तो अगर आप भी बाहर रहते हो और इंडिया जाते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एथनिक चीज़ें ज़्यादा लो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब आपको कनाडा में किसी फेस्टिवल में जाना पड़ जाए, और तब अगर नहीं होता है ना तो लगता है फिर कि यार काश मेरे पास ये होता, ये पहनती मैं फिर, तो छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे जाओ लेके आओ, कलेक्शन अपना बना के रखो, बच्चों के लिए एथनिक चीज़ें रखो, क्योंकि जब उनको पहनाओगे ना तभी उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा,
होगा, पहले येशा भी बिल्कुल नहीं पहनती थी, बट पहनते पहनते देखते देखते अब उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि वो पहनना चाहती है। और सच में दूर देश में रह के ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती हैं, अपने कल्चर को हम अलाइव रख पाते हैं। जैसे ये फुलकारी दुपट्टा मैं लूंगी और कोई कनेडियन देखता है तो मैं उसको बता पाऊंगी कि ये इंडिया का आर्ट है। और इनफैक्ट मुझे इसी बार पता चला कि फुलकारी आर्ट के पीछे एक स्टोरी है पुराने जमाने की, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों ने पसंद किया होगा, थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। ये वाला इयर रिंग देखो मैंने दिखाया था, कोलकाता न्यू मार्केट से लिया था मैंने, 30 रुपीज का, वही वाला है ना, प्रिटी और बहुत हल्का है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं तो लास्ट टाइम जो मैंने मिंत्रा से लिया था वो इतने हैवी है कि कान दुखने लगते थे, बट ये वाले बहुत अच्छे हैं। तो चलिए इससे पहले कि मैं बस बोलती रहूँ मैं चुप हो जाती हूँ और इस वीडियो को एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। हाइडिंग ऑल माय रोड्स टू यू, ओह, एंड इफ आई फाइट